डेविड मिलर ने आईपीएल 2018 में अब तक सिर्फ दो मैच खेले। पंजाब ने सोमवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में बेंगलुरु के खिलाफ सबसे खराब प्रदर्शन दिखाया और उनकी पूरी टीम महज 15.1 ओवरों में 28 रन पर ढेर हो गई। बेंगलुरु के 10 विकेट से आसान जीत दर्ज की। इस हार से पंजाब के लिए प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा बढ़ गया और अब वो मुंबई के खिलाफ भी मैच हार गए। केएल राहुल, क्रिस लिन और क्रिस गेल के अलावा कोई भी खिलाड़ी दो अंकों तक भी नहीं पहुंच पाया था उस मैच में। लोकेश और गेल टॉप ऑर्डर में पंजाब के लिए अच्छे रहे हैं, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाज कभी सेटल होते दिखाई नहीं पड़े। टीम मैनेजमेंट के दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह को भी प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया। डेविड मिलर दूसरे ऐसे खिलाड़ी रहे जिन पर गाज गिरी। अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाज ने सिर्फ दो मैच खेले हैं, यही हाल डेल स्टेन का रहा है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने ट्विटर पर पंजाब की टीम के चयन पर सवाल उठाए हैं। स्टेन ने पंजाब टीम में डेविड मिलर को नहीं खिलाने पर सवाल पूछा। उन्होंने लिखा कि आखिर मिलर को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। बता दें कि डेविड मिलर ने आईपीएल 2018 में अब तक खेले गए दो मैचों में 50 रन बनाए हैं। एक बार तो वो नाबाद रहे, यानी उनका औसत 50 का रहा। युवराज के लिए भी ये टूर्नामेंट खराब रहा। बाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज ने 7 मैचों में 64 रन बनाए और उनका औसत 12.80 का रहा। एरन फिंच को असफल होने के बावजूद टीम में शामिल किया जाता रहा। फिंच ने 8 मैचों में केवल 84 रन बनाए, उनका औसत 14 का रहा। लेकिन आपको बता दें कि डेल स्टेन का गुस्सा जमकर पंजाब की टीम पर फूटा। इससे पहले पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा का भी टीम के चयन को लेकर कई बार विवाद हुआ। ऐसे में स्टेन प्रीति को सपोर्ट करते हुए नजर आए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।